हिस्सा उनके हाथ चला गया है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हो, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। पिछले 75 साल से हर एक भारतीय के मन में एक ही सपना है, सपना उस पार तिरंगा लहराने का। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो एरिया, वो पहाड़ियां जिसपे अवैध तौर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। यहां पर 40 लाख लोगों की आबादी है जो पाकिस्तान के जुल्म और सितम की वजह से बेहद परेशान है। वो पाकिस्तान के चंगुल से रिहा होना चाहते हैं। तो क्या अगले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखंड भारत का सपना पूरा होगा? कि क्या इस पीओके में भारतीय ध्वज लहराएगा? सभी लोग एकजुट होकर राष्ट्रगान गाएंगे, संकेत भी ऐसे ही मिल रहे हैं, लेकिन ये सपना कैसे सच होगा? क्या 1947 में भारत ने पीओके को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी? क्या 1971 के युद्ध में पीओके की डील न करके भारत ने एक और गलती की? और क्या 1947 वाली गलती को 2023 में सुधारने का वक्त आ गया है? The first thing to appreciate and to consistently get into the minds of the entire nation is the fact that we have actually rectified a fundamental mistake which was made in 1947 and a mistake for which Dr. Shyama Prasad Mukherjee fought so hard in his own lifetime to rectify. तारीख थी 26 अक्टूबर 1947 और जगह थी अमर पैलेस जम्मू, यानी वो दिन जब जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। लेकिन इससे पहले कश्मीर में वो सब हो चुका था जो आज की कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार है। महाराजा हरि सिंह के बारे में मशहूर था कि वो अपना ज्यादातर वक्त बॉम्बे के रेस कोर्स में गुजारा करते थे या फिर अपने राज्य के जंगलों में शिकार करते थे। वो जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा थे। तब पूरे हिंदुस्तान में 565 रियासतें थीं, लेकिन आजादी के वक्त अंग्रेजों ने इन रियासतों को तीन ऑप्शन दिए। पहला, वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, वो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। या फिर तीसरा, वो आजाद रह सकते हैं। कश्मीर की खूबसूरती की वजह से महाराजा हरि सिंह उसे एक आजाद मुल्क बनाना चाहते थे, लेकिन कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए पाकिस्तान को हर हाल में कश्मीर चाहिए था। यानी महाराजा हरि सिंह को यह अंदेशा हो चुका था कि वो ज्यादा समय तक कश्मीर को आजाद नहीं रख पाएंगे। या तो उनको पाकिस्तान के साथ शामिल होना होगा या फिर भारत के साथ मिलना होगा। लेकिन उसी बीच भारत को इसकी पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए एक बड़ी साजिश रच रहा है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था। इन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। वो पश्तून थे जिनके साथ महाराजा कश्मीर के मुस्लिम सैनिकों ने भी हाथ मिला लिया था। कबायली मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे, श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर, यानी अब श्रीनगर पर कब्जा भी
बस कुछ ही वक्त की बात थी। कबायली हमलावर कश्मीर पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कश्मीर के बारामूला तक पहुंच गए थे, जहां से श्रीनगर सिर्फ 54 किलोमीटर दूर था। कबायली हमलावरों ने बारामूला में आतंक मचाना शुरू कर दिया। लूटपाट, बलात्कार और आम लोगों की हत्याएं करने लगे। इन हमलावरों के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, बल्कि सिख और मुसलमान भी थे। दो दिन तक हमलावरों ने खूब तबाही मचाई। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपील की कि हमें बचा लो। बदले में भारत ने महाराजा के सामने विलय पत्र पर दस्तखत करने की शर्त रखी। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। रातों रात 3 एयरफोर्स के जहाज और सिविल एयरलाइंस के जितने जहाज थे, उन सबको पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पर लाया गया और 27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। रास्ते में कबायलियों के हमले के सबूत आसमान से ही दिख रहे थे। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में कदम रखे, कबायली हमलावरों के कदम पीछे हटने शुरू हो गए। कश्मीर में भयंकर जंग छिड़ चुकी थी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी गलती कर दी। भारत को इस गलती का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू कश्मीर के मसले को 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलना शुरू कर दिया। इस बीच कश्मीर में भारतीय सेना, कबायली हमलावरों और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में कारगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था और यही है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की। हमारा देश उस समय विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे, फिर भी एक भाव था कि चलो भाई अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। यह है जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है। यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। यह है वो शख्सगाम वैली जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट की थी और यह है वो अक्साई चिन जो 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने हथिया लिया था। जम्मू कश्मीर का कुल एरिया 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से करीब 35% हिस्सा यानी 78,104 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के पास है। 17% हिस्सा
37,555 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चिन चीन के पास है, 46% इलाका भारत के पास है यानी 101,387 वर्ग किलोमीटर, और करीब 5200 स्क्वायर किलोमीटर की शख्सगांव वैली है जिसे पाकिस्तान ने चीन को 1963 में गिफ्ट दे दिया था। जब हम पीओके को देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, तो अपना ध्यान हमको गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ भी ले जाना चाहिए, क्योंकि पूरा इलाका तो वो भी था और गिलगित बाल्टिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र जिसको हम सक्षगाम वैली या घाटी कहते हैं वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया 1963। वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सियाचिन है, जो दौलत बे गोल्डी है, जो भी अक्साई चिन है, इन सब की भौगोलिक परिस्थिति में सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने खुद पीओके को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, पहला वो हिस्सा जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का। पीओके 10 जिलों में बंटा हुआ है, मुजफ्फराबाद यहाँ की राजधानी है जबकि गिलगित बाल्टिस्तान 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक समस्या ये है कि इसी गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में चीन की भी मौजूदगी है। यहाँ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो चीन के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच रहा है। सीपेक के तहत चीन ने 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश अब तक कर लिया है, जबकि 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने का अनुमान है। हमें ये भी देखना है कि ये लड़ाई में चाइना का क्या रोल होगा। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक में, जिस तरह से उन्होंने पैसे दिए जी, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है चाइना के लिए। तो वो चाहेंगे कि ये एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहे, इंडिया का इस पर डोमिनेशन ना हो। तो ये भी देखना पड़ेगा, तो अगर लड़ाई हुई मान लीजिए, तो हमें सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान का बॉर्डर ही नहीं लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां से क्या हो सकता है। नक्शों के जरिए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पूरी स्थिति हमने आपको इसलिए बता दी ताकि आप ये समझ सकें कि भारत के लिए अपने इस हिस्से को वापस पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की समस्या है। यहाँ चीन भी है, पाकिस्तान की सेना भी है, तो फिर भारत की तरफ से अक्सर पीओके को वापस लेने के संकेत क्यों दिए जाते हैं? जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे, और इस मंशा को एक नहीं कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपका त्याग, ये तपस्या हिंदुस्तान को विश्व में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कई लाख वर्ग किलोमीटर जहां तक मेरी जानकारी। जब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अपने भाषणों में पीओके का जिक्र करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं और काफी अनुभवी हैं। लद्दाख के टाइम पर भी उन्होंने बहुत सूझबूझ से स्थिति को आगे लेकर गए हैं। तो यहां पर भी जो वो बयान दे रहे हैं, देखिए, एक तो उनका दायित्व होता है
कि सेना को हमेशा तैयार रखना, सेना का मनोबल ऊपर रखना, सेना को नई नई आयाम की तरफ प्रेरित करना। तो एक तो पहलू ये भी है, दूसरा पहलू ये भी है कि ये एक सेना को एक इंडिकेशन है कि राजनीतिक जो नेतृत्व है वो आपके साथ है। अगर आप तैयारी कर लेंगे और विकल्प पैदा करेंगे तो हो सकता है हम आपको हरी झंडी दिखा दें, जैसे कि हमने लद्दाख में कैलाश पहाड़ियों पे कब्जा करके किया या बालाकोट में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो भारत बदला है, भारत की स्थिति मजबूत हुई है। ऐसी स्थिति में यह उनकी एक मैसेज पाकिस्तान को हो सकती है कि भाई आप G20 और इससे पहले और भारत में चुनाव भी होंगे, आपके देश में भी चुनाव हो रहे हैं, आप भारत की स्थिति को बिगाड़े मत, आप अपने काम करें, वैसे ही आप बुरी हालत में। दूसरा ये भी हो सकता है जैसा मैंने बताया कि वो प्रेरित कर रहे हैं, वो तैयारी करा रहे हैं, और करेंगे कब ये हमको उन पर छोड़ना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करना इतना आसान है? अगर ऐसा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितना भीषण युद्ध होगा? क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा? अगर ऐसा हुआ तो भारत क्या करेगा? सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और भारत के इस युद्ध में चीन का क्या लाभ होगा? इस पीओके के अंदर चीन के काफी ज्यादा रुपया, पैसा और एसेट्स इन्वॉल्व्ड हैं। यहां पर वो रोड तैयार कर रहा है, यहां पर वो लोगों को गुमराह कर भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रहा है। तो ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होगा तो चीन से भी निपटने की भारत की क्या तैयारी है? भारत के पीओके पर कब्जा करने के फिलहाल तीन विकल्प नजर आते हैं। पहला है सीधा मिलिट्री का हमला, दूसरा है पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, और तीसरा है डिप्लोमेसी यानी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का रास्ता। अब डिप्लोमेसी का रास्ता तो फिलहाल मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान कभी भी पीओके को भारत को देने को राजी नहीं होगा, तो फिर सीधा रास्ता बचता है मिलिट्री हमले का। लेकिन भारत की नीति है वो पहले हमला नहीं करता। ऐसे हालात में भारत पीओके में मिलिट्री कैसे भेजेगा? इसके लिए भारत पीओके में आतंकी कैंपों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि अतमुकाम, लीपा, धुदनियाल, सोनलवाली, डोंगी, बराई और कोटली में अभी भी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। भारतीय सेना पीओके के आतंकी कैंपों पर हमला कर सकती है, जैसा कि उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक में किया था। हमें फर्क यह भी पड़ता है कि पीओके से बहुत सारे आतंकवादी भारत में भेजे जाते हैं, तो पीओके पे जब भी हम कोई कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कि हम उन क्षेत्रों के ऊपर पहले जाएंगे, जैसे कि हवेली है, बाग है, जैसे कि भिंबर है, कोटली है, इन जगहों पे आतंकवादी के कैंप होते हैं। हो सकता है मुजफ्फराबाद ना जाए और इधर पहले जाए। तो ये सब पहलू हमारे जो सैन्य कमांडर हैं वो इसका विश्लेषण करते हैं, और मैं आपके श्रोताओं को ये पूरी तरीके से आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसका प्लान है, इसके तरीके हैं, उसको बार बार अभ्यास किया जाता है, उसको सुधारा जाता है और बदलते हुए समीकरणों में उसको परखा जाता है। अगर ये एक्शन हुआ तो ये वेल प्लान्ड होगा, इसे एग्जीक्यूट करने तक किसी को भी इसकी कानोकान खबर नहीं होनी चाहिए। जैसे उरी अटैक या फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई, ठीक उसी की तर्ज पर इस एक्शन को करना होगा और सभी की आंखों से ओझल करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। यानी एक ऑप्शन तो यह है कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी कैंपों पर हमला करे, वहां आतंकवादियों का सफाया करे और फिर वहीं उस इलाके पर कब्जा करके बैठ जाए। लेकिन इससे भारत को क्या हासिल होगा? क्योंकि हम तो पूरे कश्मीर की बात करते हैं और पूरे कश्मीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान के साथ ऑल आउट वॉर की जरूरत होगी, जिसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी आएगी और नौसेना भी तैनात होगी। लेकिन क्या भारत एक ऑल आउट वॉर के लिए तैयार है? ये ऑल आउट वॉर होगी। अब कारगिल जैसी नहीं कि हम सोचें कि ये बस एक छोटे से सेक्टर या एरिया में सीमित रहेगी।
या सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये लड़ाई होगी, ये पूरे बॉर्डर्स पर, हमारे लैंड बॉर्डर पर होगी, हमारे मैरिटाइम बॉर्डर्स, सी बॉर्डर्स पर होगी। तो तीनों सर्विसेज इसमें फुली इन्वॉल्व होंगी, और तीनों सर्विसेज ही नहीं, जैसे बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, कि अब जो लड़ाई होगी तो इसके लिए जो तैयारियां होंगी, लॉजिस्टिक्स होगा, इंडस्ट्री को गियर अप करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमें नॉट ओनली वेस्टर्न बॉर्डर्स पर LAC पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना कैसे करेगी। तो तीनों सर्विसेज फुली इन्वॉल्व होंगी, गवर्नमेंट फुली इन्वॉल्व होगी, डिफेंस इंडस्ट्री फुली इन्वॉल्व होगी। तो ये एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी। मौजूदा हालात की बात करें तो भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है। भारतीय सेना में 14 लाख से ज्यादा एक्टिव फौज है। इसके साथ ही 11 लाख की फौज भी रिजर्व में है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख की एक्टिव फौज है और 5.5 लाख फौजी रिजर्व में हैं। इसके अलावा भारत के पास 25 लाख की पैरामिलिट्री भी है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख की पैरामिलिट्री है। यानी भारत के पास कुल 50 लाख की सेना है और पाकिस्तान के पास 17 लाख की। आसान नहीं है कि ये कुछ दिनों की लड़ाई नहीं होगी, जैसे मैंने बोला महीनों की लड़ाई होगी, ऑल आउट वॉर होगी, और एक मुश्किल युद्ध होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एक बड़ी फौज है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप देखें दोनों की मिलिट्रीज और दोनों की इकोनॉमिक पोटेंशियल, तो अल्टीमेटली ये है कि इंडिया की फोर्सेज मतलब पाकिस्तानी फोर्सेज के ऊपर प्रिवेल कर सकती है। भारत के पास 4,600 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3,700। भारत के पास कुल 2,200 विमान हैं, जिनमें से 577 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1,400 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 363 ही फाइटर जेट्स हैं। नौसेना की बात करें तो भारत की फ्लीट स्ट्रेंथ 295 की है, जबकि पाकिस्तान की 114 की है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 9। भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2। भारत के पास 138 पेट्रोल वेसल हैं और पाकिस्तान के पास 48। इसमें अगर हम चलें तो भारतीय नौसेना का जो होगा वो रोल थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई समुद्र तो है नहीं, लेकिन वो जो अरब महासागर है वहाँ पर कराची, पश्चिमी, जिवानी, इन बंदरगाहों पे ब्लॉकेड करके दबाव बना सकती, एक ये उनका बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है इसमें। और अब कई श्रोताओं को पता नहीं होगा, लेकिन अखबारों में आया है कि जब डोकलम हुआ तो भारतीय सेना नौसेना के जो जहाज थे P-3C और रायन, उन्होंने सर्वेलेंस की और सूचनाएं दी, क्योंकि वहाँ उनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बहुत हाई है। ऐसे ही हमारे पास सी गार्जियन एक ऐसा ड्रोन है जो हमने अमेरिका से लीज पे लिया है और अब कुछ और खरीद रहे हैं, वो भी सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो सर्वेलेंस के क्षेत्र में और दबाव बनाने में नौसेना का रोल हो सकता है। अभी हालात भारत के पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान की अपनी स्थिति ठीक नहीं है। मुल्क दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, दुनिया की भीख पर अपना काम चला रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान युद्ध तो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यह तुरंत खत्म नहीं होगा, बल्कि ये लंबा खींचेगा। लेकिन क्या इन आर्थिक हालात में पाकिस्तान युद्ध को लंबा खींच सकता है? देखिए, ऐसा है, कर सकता है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि हम वॉर पर जाएं कि नहीं। कहते हैं कि मतलब वॉर का हमेशा एक पॉलिटिकल एम होता है। तो अगर गवर्नमेंट
डिसीजन लेगी कि हाँ हम युद्ध करेंगे, तो आर्मी तो तैयार है, प्रिपरेशन चलती रहती है, वॉर गेम्स, एक्सरसाइजेस, प्लानिंग और डिस्कशन, पर देखिए कॉस्ट देखनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट को देखना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।